सेक्स का शरीर के एक मूल स्वभाव में होना एक बात है, पर उसका आपके दिमाग में घर कर जाना दूसरी बात है। कोई बात नहीं, आपको इसको लेकर ग्लानी में नहीं रहना चाहिए। अरे मैं सेक्स की तीव्र इच्छा से मजबूर हूँ तो मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। आप तीव्र हैं तो आप इसको आध्यात्मिक प्रोसेस बना सकते हैं। आप असल में एक सेक्स से फैलने वाली बीमारी हैं, पता है? ये जीवन की मूल बातें हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इसी वजह से पैदा हुए हैं, आपकी सेक्सुअलिटी की वजह से नहीं, किसी और की। तो हम पैदा इसके कारण हुए हैं, पर क्या हमारा अंत भी इसके साथ होना चाहिए? सवाल ये है। ये बात सही और गलत की नहीं है, ना ही ये नैतिकता वाली बात है। बात ये है कि इसका स्वभाव कितना सीमित है। क्या आप हमेशा के लिए इसी में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर ये सोचना चाहते हैं कि ये एक बुरी बात है, मैं इसे छूना भी नहीं चाहता? नहीं, मैं कहूंगा कि करीब 30-40% लोगों के लिए ये एक आने जाने वाली चीज है उनके अंदर, पर सामाजिक व्यवस्था की वजह से वो सब सोचते हैं उन्हें उस दिशा में जाना पड़ेगा। हो सकता है बाकी 30-40% लोग हों जिनके लिए एक बड़ी मजबूरी हो, बाकी 30-40% के लिए ये एक सामान्य सी जरूरत है, उनको ये चाहिए तो, पर वो इतने मजबूर नहीं है। ये है लोगों का स्वभाव। मैं ये बात इसके बारे में अपने खास सटीक बोध के आधार पर कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसमें हर वक्त लिप्त रहते हैं, पर आज की तारीख में समाज उन्हें इस तरह से ढाल रहा है कि अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप नॉर्मल नहीं हैं। तो असल में आपके कहने का मतलब ये है कि पुराने समय के योगी नॉर्मल नहीं थे, गौतम बुद्ध नॉर्मल नहीं थे, कोई नॉर्मल नहीं था, सिर्फ उनको छोड़कर जो अश्लील वेबसाइटों पर होते हैं। कोई नॉर्मल नहीं, ये फिजिकैलिटी या भौतिकता का एक बहुत बड़ा चढ़ा स्वरूप है। ये जो भौतिक शरीर है ये केवल किसी की सेक्सुअलिटी की वजह से अस्तित्व में आया है कि नहीं? सेक्स का शरीर के एक मूल स्वभाव में होना एक बात है, पर उसका आपके दिमाग में घर कर जाना दूसरी बात है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आसपास एक खास तरह का कल्चर है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि किसी ने आपको कह दिया ये पाप है, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये बस इतना है कि इसके लिए कुछ सभ्य तरीके होते हैं जिसके लिए हमने सामाजिक संस्थान बनाए हैं। कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता का एक खास स्तर बनाया है, क्योंकि एक इंसान में ये एक बुनियादी इच्छा होती है कि वो अपने जीवन के हर पहलू को थोड़ी सुंदरता से चलाए, नहीं तो हमें जानवरों जैसा लगेगा। देखिए, हम खाते हैं, हम ऐसे भी खा सकते हैं। जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आप जानवरों की तरह हो जाते हैं। अगर आपने 5 दिन से खाना ना खाया हो तो आप दोनों हाथों से उस तरह खाएंगे। जैसे कि आपने कभी भूखे कुत्ते को खाना खाते हुए देखा है? उस तरह से इंसान भी वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर उसकी जरूरत उस तरह की हो जाएगी, जब आपको किसी चीज की बहुत जरूरत लगती है, तब अगर आप बस 2 मिनट रुक जाएं, तो आप देखेंगे कि जो मजबूरी में हो रहा था वो जागरूकता में होगा। खाना, सेक्स, नींद और मृत्यु, ये 4 चीजें हैं जो मजबूर करने वाली हैं। एक मनुष्य
जीवन के इन पहलुओं को भी जागरूकता से अंजाम देकर अपने आप को जानवरों से अलग साबित कर सकता है। सिर्फ तभी तो, अगर आप इन चीजों को धरती के दूसरे जानवरों की तरह करते हैं, तो जैसे ही आप किसी को ऐसे देखते हैं, आप कहते हैं वो जानवरों जैसा है, होता है ना? तो इंद्रियों के स्तर पर सभी में कुछ विवशताएं होती हैं, पर आपके पास एक बुद्धि है जो आपको जागरूक बना सकती है और आप जीवन के उस पहलू को जागरूकता से अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको आए दिन बलात्कार, वहशीपन और वैसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। उस व्यक्ति की भी किसी दूसरे व्यक्ति के जैसी ही इच्छाएं हैं, पर वो इसे सही ढंग से, गरिमापूर्ण तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मजबूरियां उसकी बुद्धि पर हावी हो जाती हैं। तो पहली बात ये कि आप इसके बारे में ये सारी बकवास छोड़ दीजिए कि ये पाप है, नैतिक रूप से गलत है। मुद्दा वो नहीं है। समझने वाली बात यह है कि ये चीज सीमित चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाते खाते रुक नहीं पाते। हेलो, खाना खाने के बारे में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप खाते खाते रुक नहीं पा रहे हैं तो सबको एकदम से पता चल जाता है। उनको भी जिन्होंने आपको खाते हुए देखा भी नहीं था। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ सेक्सुअलिटी के लिए भी है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी सो जाते हैं। तो यही मूलभूत चीज है, ये मूलभूत प्रवृत्तियां जो हमारे शरीरों के अंदर हैं, यानी खाना, सेक्स, सोना व मृत्यु। जब आप इन चारों चीजों को जागरूकता से अंजाम देते हैं, सिर्फ तभी आप मनुष्य होते हैं। मृत्यु को भी मैं कह रहा हूं, तभी आप सही मायने में मनुष्य होते हैं, नहीं तो आप एक क्रमिक विकास की गलती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं सद्गुरु, ये तो क्रमिक विकास है। नहीं नहीं, यही तो असली बात है। एक बार जब आप मनुष्य बन गए तो क्रमिक विकास या एवोल्यूशन आपकी मर्जी से होता है क्या आप विकसित होंगे या नहीं। जब आप बंदर थे, आपने मनुष्य बनना चुना नहीं था, पर एक बार आप मनुष्य बन गए तो आप किस तरह के मनुष्य बनना चाहेंगे यह आपका चुनाव है। मजबूरी भरे किसी क्षण में आपको लग सकता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है। नहीं, आपके पास चुनाव है, आपने बस अभी उन चुनावों का इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। प्रवृत्तियां आप भी हैं, पर आप उन्हें चुन सकते हैं, मजबूर होकर नहीं। यही वो अंतर है। आप सभी सेक्स की वजह से पैदा हुए, पर क्या आपको इसी के लिए अपना सारा जीवन जीना चाहिए? ये एक चुनाव है, ये आपके शरीर का एक अंश है, ये पूरा सब कुछ नहीं है। आप जो हैं ये उसका एक अंश भर है, ये वो सब कुछ नहीं है जिसे आप मैं कहते हैं। बुनियादी रूप से ये एक लालसा है। जिसकी हम लालसा रखते हैं उसे रूपांतरित किया जा सकता है ना। जब आप एक बच्चे थे आपको पेपरमिंट की लालसा थी, अब आप बड़े हुए तो किसी और चीज की लालसा होती है, अभी आप नवयुवा हैं तो किसी और चीज की लालसा है। पर ये लालसाएं बदलती रहती हैं, है कि नहीं? ये लालसाएं क्या ये समय की मजबूरियों से बदलेंगी या फिर ये बदलेंगी आपके चुनने से, सचेतन चुनाव से? ऐसा नहीं है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। उसके भी तरीके हैं ताकि जो इनसे ऊपर उठना चाहते हैं वो ऊपर उठ जाएं। ये कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप ऊपर उठ जाएं तो आप सबसे मुक्त हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप वो कर भी रहे होते हैं तो क्या ये जागरूक चुनाव है या आप एक मजबूर जानवर हैं? यही जरूरी है, क्योंकि एक मनुष्य और जानवर में बुनियादी फर्क है उनकी जीवन के प्रति प्रतिक्रिया। हम जीवन को लेकर एक जागरूक उत्तर हैं। इसका अभ्यास कीजिए, कोई बात नहीं। आपको इसको लेकर ग्लानी में नहीं रहना चाहिए, अरे मैं सेक्स की तीव्र इच्छा से मजबूर हूं तो मैं आध्यात्मिक नहीं हूं। आप तीव्र हैं तो आप इसको आध्यात्मिक प्रोसेस बना सकते हैं, बजाय इसके कि आपको चलाए। अगर आप चलाने वाले बन जाएं तो यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्या आप चाहते हैं आपको कोई चीज चलाए या आप चलाने वाले बनना चाहेंगे? अगर चलाने वाले आप हैं तो यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। It's coming.